नगर परिषद की हमीरपुर की मासिक बैठक के दौरान नगर परिषद में सौंदर्यकरण व सफाई व्यवस्था पर गहन चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता नगर परिषद के अध्यक्ष मनोज कुमार मिधास ने की। इस मौके पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज सहित सभी पार्षद मौजूद रहे। बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था सहित शहर के सौंदर्यकरण के मुद्दे पर चर्चा की गई। इसके अलावा टेंडर अवार्ड होने के बावजूद कई कार्य धरातल पर शुरू न होने पर भी पार्षदों ने रोष व्यक्त किया तथा यह निर्णय लिया गया कि अब नगर परिषद के तहत किसी भी ठेकेदार को दो से अधिक कार्य एक समय में आवंटित नहीं किए जाएंगे। नगर परिषद हमीरपुर के अध्यक्ष मनोज कुमार मिन्हास ने कहा कि बैठक में महत्वपूर्ण निर्णयों पर चर्चा की गई। सभी पार्षदों ने अपने वार्ड से संबंधित समस्याएं भी बैठक के दौरान रखी और चर्चा में भाग लिया। उन्होंने बताया कि शहर के वार्ड नंबर 2 में पार्क के सौंदर्यकरण करने व उक्त स्थान पर कॉम्प्लेक्स निर्मित करने पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि वार्ड में विकास कार्य चल रहे हैं, मगर टेंडर अवार्ड होने के बावजूद कई कार्य धरातल पर शुरू न होने के कारण बैठक में निर्णय लिया गया कि अब नगर परिषद के तहत किसी भी ठेकेदार को दो से अधिक कार्य एक समय में आवंटित नहीं किए जाएंगे। बैठक हुई मासिक की बैठक में, इसमें हमारे जो निर्णय लिए गए उसमें विकास कार्यों के बारे में चर्चा हुई, स्ट्रीट लाइटों के बारे में चर्चा की गई, सफाई व्यवस्था के बारे में हमारी चर्चा हुई, और जो हमारा जो वार्ड नंबर 2 में जो पार्क है उसमें हम सोच रहे हैं कि उस पार्क को डेकोरेशन करें और उसको जगदेव मेमोरियल का जगदेव कॉम्प्लेक्स टाइप कुछ ना कुछ वहाँ पे बनाने की कोशिश करें। इसमें थोड़ा ऐसे वैसे तो ऐसा कुछ भी नहीं है, काम चले हुए हैं वार्डों में, मैक्सिमम वार्डों में काम चले हुए हैं। वार्ड नंबर 9 में काम अभी तो खत्म किया गया, वार्ड नंबर 2 में काम चला हुआ है, वार्ड नंबर 8 में काम चला हुआ था, 10 के साथ ज्वाइंट हो इसमें, तो काम तो चले हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ठेकेदारों को नोटिस भेजेगी, अब जो बच्चे काम है वो भी जल्दी लगा दी जाएंगी। सर ये भी काम एक्चुअली जो ये जो काम थे पहले ऑनलाइन काम थे, लेकिन अभी ये कुछ टाइम से ऑफलाइन किए ये, जिस कारण अब हमने आज मीटिंग में यही प्रस्ताव रखा कि एक ठेकेदार को सिर्फ 2 ही काम दिए जाए और 2 से ऊपर काम नहीं दिए जाए। वहीं कुछ दिनों से शहर में कूड़ा उठाने में हो रही दिक्कतों के मुद्दे पर मनोज मिन्हास ने बताया कि सॉलिड वेस्ट प्लांट को जाने वाले मार्ग पर बारिश के चलते कीचड़ आने जाने से गाड़ियों को लेकर जाने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि उक्त मार्ग को दुरुस्त करने के लिए टेंडर कुछ समय पहले ही किया गया था और आने वाले दिनों में इसे ठीक करवा दिया जाएगा। सफाई व्यवस्था वैसे तो हमारी बिल्कुल ठीक आ चुकी थी, लेकिन कुछ हमारा काम जो सॉलिड वेस्ट जो उधर सड़क का निर्माण चला हुआ है उस काम थोड़ा हमारा 3-4 दिन से हमें थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ रही है। ये 2-3 दिन में हमारे बिल्कुल ठीक आ जाएगी सफाई व्यवस्था। दिक्कत सर उसमें हमारी जो बारिश लगी हुई है वहाँ पे हमारा चिक्कड़ वगैरह हुआ है, वो पूरा रास्ता खराब हो चुका है सर। उसमें ना हमारा जो टेंडर लगाया हुआ था हमने, लेकिन बरसात के कारण टेंडर मतलब काम नहीं हो पाया। अभी हमने काम स्टार्ट किया लेकिन थोड़ी हमें प्रॉब्लम आ रही है, काम चला हुआ है, देर रात काम कर रहे हैं, पर लेकिन गाड़ी हमारी नीचे नहीं उतर पा रही है। सौंदर्यकरण के मुद्दे पर नगर परिषद के उपाध्यक्ष संदीप भारद्वाज ने कहा कि गांधी चौक व शिव मंदिर के साथ गांधी गेट को सुंदर बनाने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। उन्होंने बताया कि बैठक में विकास कार्यों को गति प्रदान करने पर भी चर्चा की गई और विकास कार्यों पर भी चर्चा की है। जैसे हमारा ऊपर गांधी चौक है, उसको ब्यूटिफिकेशन उसके करने के लिए भी हमने आज प्रस्ताव रखा है। शिव मंदिर है हमारा नीचे गांधी गेट, ये भी बहुत पुराना है, तो इसको भी हम रेनोवेट करेंगे। और भी हमारी जैसे समस्याएं हैं छोटी छोटी या कोई बड़ी, उनके ऊपर भी हमारी आज चर्चा हुई है, तो बहुत जल्दी हम ये सारे कार्य पूरा करेंगे।